जहाँ कश्मीर चाइना जो है गांव बसाए जा रहे हैं, तो इस पर जो है सरकार को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और इंडियन आर्मी है तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारा सीमा जो है वो सुरक्षित रहे। आज नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके बाद अब आप ही को देखना है, उन्होंने कहा कि आप ही। अभी तो हम लोग मिल कर के देख रहे हैं, सब लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, उस चुनौती का सामना करना है। के लिए आगे आगे का बात आगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा में विधायक दल की बैठक हुई जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शिरकत किए। वहीं मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सत्र काफी छोटा है, 5 दिनों का है जिसमें 1 दिन बीत चुका है, 4 दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो लाए जाएंगे और जनता के हित के बात जो है वो सदन में उठाया जाएगा। यही नहीं, जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से यह सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आगे चलकर बिहार को तेजस्वी यादव ही देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, अगर बात रही नौकरियां देने की तो आगे आने वाले समय में हम नौकरियां भी देंगे युवाओं को। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम तेजस्वी। हाँ, कश्मीर चाइना जो है गाँव बसाया जा रहा है, इस पर जो है सरकार को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और इंडियन आर्मी है तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारा सीमा जो है वो सुरक्षित रहे। आज बैठक हुई महागठबंधन के तमाम विधायक दल की, उसमें क्या क्या असर हुआ? कैसे चलेगी कार्रवाई? 5 दिन का सत्र है, आज 1 दिन खत्म हो गया, बाकी का 4 दिन है। विधेयक वगैरह आना है, जो महत्वपूर्ण विधेयक वगैरह है कैबिनेट से हम लोगों ने पास किया है, हाउस में ले किया जाएगा उसको। हम लोग बीजेपी का यह सदन नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे इस बार हम लोग। बीजेपी का यह सदन नहीं चलने देंगे, रोजगार नौकरी नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है। कहाँ नहीं दिया जा रहा है, बोल रहे हैं बीजेपी का। वो अपना ही बता रहे हैं क्या? वो अपना क्या बता रहे हैं? यहाँ तो नियुक्ति पत्र आज भी हम लोग जा रहे हैं बांटने, और आगे आने वाले समय में लगातार बहाली निकलने वाला सदन चलेगा, दौड़े सब है, ठीक है चलेगा। लालू जी की तबीयत कैसी है अभी? बढ़िया है, ठीक। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके बाद अब आप ही को देखना है, कल फिर उन्होंने कहा कि आप ही देखेंगे। अभी तो हम लोग मिल कर के देख रहे हैं, सब लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, उस चुनौती का सामना करना है। 24 के लिए आगे आगे का बात आगे है। आपने कि क्या कुछ कहा, आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र शुरू है, आज पहला दिन था, अब शेष 4 दिन और बचे हुए हैं। ऐसे में कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो सदन में लाए जाएंगे, लेकिन क्या विपक्ष पार्टियां जो है किस तरह से सदन की कार्रवाई चलने देती है, क्योंकि पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा है, आगे शेष 4 दिन किस तरह से सदन की कार्रवाई चलेगी यह तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल रोजगार और उद्योग को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जल्द ही युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, और साथ ही साथ जिस तरह से चाइना देश बसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे सेना पर भरोसा है कि इन सब चीज़ों पर वो ध्यान देगा। इसकर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ, तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।